साहब मैं आपको ही फॉलो करता हूँ, जैसे आप कोई गिला शिकवा नहीं करते इस तरह मैं भी नहीं करता। और ये सच्ची और हकीकत बात है कि चौरी साहब के मुंह से आज तक हमने कोई बुरी बात नहीं सुनी। गौरी गौरी साहब बुरी गल करनी का लिए ये जो जिंदगी है ये एक दूसरे की इज्जत करने के लिए अल्लाह ने दी है। एक दूजे नु बुरा भला कहना नहीं दीदी, एक दूजे नु उड़ उड़ के बैठ रहे ने। चौरी साहब सारे सियासतदान आप जैसे प्यार से बोलने वाले हो जाए ना तो गोगा जी पूरे मुल्क में सुकून हो जाए। बिल्कुल, चौरी साहब जैसा सियासतदान मैंने आज तक नहीं देखा। जी फुटो ओ बेटा मेरी काफली के मेरी काफ है मेरी। चौधरी साहब वैसे आपने पार्टी को फाल करने और नाराज कारकुनों को मनाने के लिए कमेटी भी बना दी है। ये नाराजगियां दूर होनी चाहिए। मैं तो दूसरी सियासी जमातों के कायदीन को भी मिलकर ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जमातों में तहजीब और रवादारी और मुस्बत सियासी इकदार के लिए इकदाम उठाए, एक दूसरे के साथ प्यार करें यार। छड़ दियो बिल्कुल, कल ओदी घूमत है, अज मेरी घूमत है, हाय हाय हाय, अज मेरी घूमत है, कल फिर मेरी घूमत है। साहब इन्ने अरसे तुसी हुकूमत करी जानी है। अदे इन्ने अरसे कीती भी ते नहीं ना। अच्छा चौरी साहब तुसी जेल कटी है भला? साडी साडी कड़ी जेल ना लड़ाई है, अदे भी कटी है जेल। देखें भाई ये इस तरह की जो रवायात है ना ये सियासत में से अब खत्म होनी चाहिए। खुदा तो ना जी जान दियो किन्ना को एक दूजे दा पीछा करना जी। बिल्कुल सही है जी, हार जित होंदी रहिंदी है, एक दूजे नु सियासतदाना नु प्यार ना बुलाना चाहिए। हां जी हां जी, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक घूमदा आंदी जांदी रहंदी है जी, दुश्मनियां ना पैदा करें आपस में। हां हां, एक दूसरे की माँ बहनों की खवातीन की इज्जत करें। बिल्कुल, इस तरह अगर फिर एक दूसरे के साथ बुरी जुबान बोलेंगे तो अवाम नफरत करनी शुरू कर देगी। अवाम ही अगर नफरत करनी शुरू हो गई तो फिर तकरीर मझा गावे अगे करनी है जी।